सलार मूवी के डे 26 के बॉक्स ऑफिस के लाखे निकल कर आ चुके हैं। इसी के साथ साथ आपको बताएं कि लोगों के चाइना में क्या रिएक्शन निकल कर आ रहा है, क्या लोगों को ये मूवी पसंद आ रही है या नहीं। इसके अलावा इस मूवी के आगे आगे कितने लोग फैंस होने वाले हैं, कितने लोग इस मूवी को देखने वाले हैं, क्योंकि बहुत सी न्यू ऑडियंस भी चाइना में आई है जो इस मूवी को देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा बेकरार है। क्योंकि सलार मूवी जो है, आपको पता है कि प्रभास की और पठान नील के डायरेक्शन में बनने वाली ये मूवी है, और इस मूवी के डायरेक्टर पठान नील है, उन्होंने ही केजीएफ बनाई है, जिसकी वजह से इस मूवी की हाइप तो ओवर द टॉप हो चुकी है। लोग बहुत ज़्यादा इस मूवी को भी पसंद कर रहे थे। हालांकि इंडिया में ये वाम सोच रही थी कि भाई ये मूवी ऑलमोस्ट 1200-1300 करोड़ कमा जाएगी, हो सकता है ये केजीएफ का भी रिकॉर्ड ब्रेक कर दे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इसने तकरीबन 700-800 करोड़ ही इंडिया में कमाए थे, लेकिन कोई बात नहीं, जब से ये मूवी जापान में रिलीज़ हुई है वहाँ पर धड़ाधड़ कमाई कर रही है। इस मूवी के डेली बाय डेली न्यू रिकॉर्ड बन रहे हैं और न्यू रिकॉर्ड ब्रेक हो रहे हैं। हालाँकि ये मूवी अब भी टॉप 5 की लिस्ट में रैंक कर रही है। जी हाँ, टॉप 5 की लिस्ट में ये मूवी काफ़ी ज़्यादा रैंक कर चुकी है, लोगों को काफ़ी ज़्यादा ये मूवी पसंद आ चुकी है, और भी काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस है जो इस मूवी को देखने के लिए काफ़ी बेकरार हुई पड़ी, क्योंकि लोग इस मूवी को एक दो मरतबा नहीं, 3 से 4 मरतबा एक मूवी को वॉच कर रहे हैं, क्योंकि ये मूवी काफ़ी ज़्यादा, आपको पता है कि कोई भी मूवी अच्छी बनी हो वो जहन में एक अजीब तरह की छाप छोड़ जाती है, जिसकी वजह से हम उस मूवी को अगेन दोबारा उस मूवी को जितना हो सके देखने की कोशिश करते हैं, वॉच करने की कोशिश करते हैं। अगर आज की बात करें कि इस मूवी ने कितने टिकट सोल्ड आउट कर लिए हैं, तो वो इसने 1.83 टिकट सोल्ड आउट कर लिए हैं, और आगे आगे मज़ीद उम्मीद है इसका नंबर इंक्रीज़ भी होगा, डिक्रीज़ भी होगा, क्योंकि आपको पता है कि डेली बाय डेली बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के नंबर डिक्रीज और इंक्रीज होते ही रहते हैं, ये नंबर चलते ही रहते हैं, लेकिन मूवी पर इतना कोई इसका अच्छा या फिर बुरा असर नहीं पड़ता, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आपको पता है कि लोग इस मूवी को अभी तक पसंद कर रहे हैं, क्योंकि प्रशांत नील की डायरेक्शन इस बंदे की आती है कि केजीएफ जैसे मूवी को भी ब्लॉकबस्टर करा दी इसने।